आपको लाइक अगर आपका एक दिन का 100 पाउंड बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल 100 पाउंड बन रहा है, उसमें आपको 200 पाउंड मिलेगा। यहाँ पे रेट अलग ही रहता है। लाइक अगर आपको 12-12.5 पाउंड का नॉर्मल रेट मिल रहा है तो सैटरडे संडे को आपको मिलेगा लगभग 13-14 पाउंड का, तो कितना फ़ायदा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल UP2UK, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मौसम यार चेंज हो गया है यहाँ पर और ठंडा होने लगा है, दिन में भी ठंडा रहता है मौसम अब तो, गर्म कपड़े निकलने शुरू हो गए हैं भाई। ठीक है, आप लोग जो भी आ रहे हो तो गर्म कपड़े अच्छे से लेकर आना और पहन कर भी आना, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है और 17-18 डिग्री रहता है टेम्परेचर। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि जो भी डिपेंडेंट वीज़ा पे आते हैं, लाइक जो भी उनके पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है, डिपेंडेंट वीज़ा पे वो कोई सी भी जॉब कितने भी टाइम कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट हैं वो कैसे 3000 पाउंड तक कमाते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में काम करके। ठीक है, वो मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है और कैसे आप लोग भी अगर डिपेंडेंट पे आ रहे हैं तो कैसे 3000 पाउंड तक कमा सकते हो। ठीक है, और ये कोई भी हवा हवाई बात नहीं है, सारा मैं आपको समझाऊंगा कैसे होगा, और जो भी हैं ऑलरेडी उनको पता होगा कि ऐसा ये सब पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो मैं चैनल पे फर्स्ट टाइम आया उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं, अभी इस टाइम यूके में हूं। मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें मैं स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूं, तो लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, तो जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले आपको काम करना है वो ये है कि जो भी डिपेंडेंट वीज़ा पे आते हैं, जिन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, कोई से भी जॉब करो, कितने भी घंटे जॉब करो, आपको परमानेंट जॉब नहीं करनी है, लाइक फुल टाइम जॉब नहीं करनी है कहीं पर भी किसी भी एम्प्लॉयर के पास। अब बोलोगे यार क्या अजीब बात कर रहा है, लोग बोलते हैं कि फुल टाइम जॉब ढूंढ लो, खुद भी फुल टाइम जॉब करता है और हमको बोल रहा है कि फुल टाइम जॉब नहीं करनी है। हाँ भाई, अगर आपको कमाने हैं 3000 पाउंड तो आपको फुल टाइम जॉब नहीं करनी है, किसी भी लाइक परमानेंट जॉब जिसे बोलते हैं कि एक एम्प्लॉयर के पास आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि 37.5 घंटे पर वीक आपको 37.5 आवर्स जो है आपको कंप्लीट करने हैं, वो वाला नहीं करना है। मैं क्यों करता हूँ, मेरा सीन थोड़ा सा अलग है क्योंकि मेरे को बेबी को देखना पड़ता है अपने, तो इस वजह से मेरे को करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे नंबर वन टिप, आपको फुल टाइम जॉब जो है वो नहीं करनी है, आपको करना है भाई एजेंसी के थ्रू वर्क करना है। एजेंसी के थ्रू वर्क करने का फ़ायदा अब मैं बताता हूँ क्या फ़ायदा है। देखो, सबसे पहले फ़ायदा है कि भाई आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कि वर्कलोड नहीं होता कुछ भी, अगर आप एजेंसी के थ्रू काम करते हो या फिर अगर आप परमानेंट किसी एम्प्लॉयर के पास काम करते हो, तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। परमानेंट वाले को जो फुल टाइम करता है एक ही एम्प्लॉयर के पास, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं, ठीक है, पेपर वर्क वगैरह और मतलब बहुत तरह तरह की चीज़ें। लेकिन जो एजेंसी वाला होता है कुछ नहीं होता भाई, सुबह आता है अपना काम वाम करा और शाम को चला जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं है पेपर वर्क की और सारे और झमेलों की, उसे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नंबर टू जो बेनिफिट है वो ये है कि जो पे रेट है वो भाई पे रेट जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है एजेंसी में, अगर आप एजेंसी के थ्रू करोगे, और लेकिन अगर आप फुल टाइम करोगे तो आपको बंदा हुआ जो फिक्स होता है ना उनका वही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। जो नेक्स्ट है वो ये है कि अगर आप फुल टाइम करोगे एक ही एम्प्लॉयर के पास, उसमें क्या है, अगर आप सैटरडे संडे भी करते हो ड्यूटी तब भी उसमें एक ही पे रेट मिलता है, अगर आप नाइट करोगे तब भी एक ही पे रेट मिलता है। ठीक है, हाँ बैंक हॉलीडे में थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन बाकी सब जगह बाकी सारे टाइम पर एक ही मिलता है। लेकिन अगर आप एजेंसी के थ्रू वर्क करोगे तो आपको यकीन मानना 12-13 पाउंड पर आवर मिलता है। ठीक है, और कोई हेडक नहीं रहता भाई एजेंसी के थ्रू काम करने में, कोई टेंशन नहीं रहती है, आपको काम करना है और घर जाना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट कि एक तो आपको पे रेट ज़्यादा मिल रहा है, दूसरा वीकेंड्स में काम करने पे रेट अलग ही रहता है। लाइक अगर आपको 12-12.5 पाउंड का नॉर्मल रेट मिल रहा है तो सैटरडे संडे को आपको मिलेगा लगभग 13-14 पाउंड का, तो कितना फ़ायदा है।
और अगर आप परमानेंट कहीं कर रहे हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको देगा वो 11 पाउंड, 11 पाउंड से ऊपर कोई देता ही नहीं है परमानेंट में, फुल टाइम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा है। अब आप सोचो कि आप अगर हफ्ते में 5 या 6 दिन कर रहे हो तो अपना जो है डे ऑफ जो है वो वीक डेज में रखो, लाइक वीक डेज इन द सेंस कि मंडे ट्यूसडे में ऑफ ले लिया या वेनसडे थर्सडे में ले लिया, वीक डे वीकेंड में जो है हमेशा काम करो, मोटा पैसा मिलेगा, बढ़िया छापोगे, ठीक है। नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आप ना हमेशा एक से ज़्यादा एजेंसी के पास काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक एजेंसी से ही पूरा काम मिल जाएगा, तो हमेशा आपको एक से ज़्यादा एजेंसी के पास रजिस्टर करना है और एक से ज़्यादा एजेंसी के पास काम करना है। तो एक से ज़्यादा एजेंसी के पास काम करने में यह है कि आपको शिफ्ट जो है वो आपको प्रॉपर मिलती रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर उसके पास शिफ्ट नहीं है तो आप खाली बैठे हो घर पे, आपने 2-3 एजेंसी में रजिस्टर कर लोगे तो आपको जो शिफ्ट हैं वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। आपको सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यह है कि भाई अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपको फुल टाइम वाले के पास क्या होता है कि भाई एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, फिर आपकी छुट्टी अप्रूव हुई नहीं हुई मान लो, और दूसरा स्टाफ छुट्टी पे है तो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, उसमें क्या है आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी मर्जी है, आपको आज जाना है नहीं जाना है मत जाओ, कल जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, उसमें कोई आपको वो नहीं रहता है कि आपको जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि भाई आप एजेंसी के थ्रू वर्क करो। अगर आपके पास फुल टाइम काम करने का आपके पास ऑप्शन है तो एजेंसी से 2-3 एजेंसी से 5-6 दिन काम करोगे, आराम से 3,000 पाउंड आराम से बचा लोगे आराम से, ठीक है। और कोशिश करा करो जो बैंक हॉलीडेज होती हैं जो होंगी, बैंक हॉलीडेज देख लेना कैलेंडर में, उन दिनों में जो शिफ्ट करते हैं ना लगभग आपको जो डबल पे रेट मिलता है, लाइक आपको लाइक अगर आपका एक दिन का 100 पाउंड बन रहा है, फॉर एग्जांपल 100 पाउंड बन रहा है, उसमें आपको 200 पाउंड मिलेगा बैंक हॉलीडे वाले दिन, ठीक है। तो बैंक हॉलीडे वाले दिन कोशिश करना कि काम मिले आपको, काम करो फुल टाइम कहीं करोगे किसी एम्प्लॉयर के पास तो वो आपको लगभग फुल तो नहीं देते हैं, वो आपको थोड़ा सा ही देंगे बढ़ा के, लाइक 100 की जगह 125 मिल जाएगा, लेकिन आपको एजेंसी में आपको डबल मिलेगा, ठीक है, वो आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट हैं, अगर आप इनको कंसिडर करोगे और इसके थ्रू वर्क करोगे तो आपके जो 3,000 पाउंड है वो आप आराम से इजीली कमा लोगे इसमें हेल्थ केयर सेक्टर में, ठीक है। अगर किसी को और भी कुछ पता हो तो कमेंट करके बताना, और कुछ पूछना है कुछ बताना है तो आप मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।